ऐसा है, ये भर्ती उड़ती ना करा रहे, अच्छा, ये स्टैम्प बन गए दलाल सब टोटल, दलाल की भर्ती चल रही है भाई। यार इतना कम टाइम बड़ौद घुसना जरूरी था मुरादाबाद में, बड़ौद के कितनी तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। आर्मी हो गई अब चोर, इसमें अब हमने तो दे दिया इस्तीफा, आज तो हम तो हंगे नहीं, पहली और आखिरी भर्ती थी अपनी, डिल्ला ठह के फेंकिया है वहाँ, हम नहीं लौटेंगे इधर, अब हम अपने घर मौज लेंगे, गन्ना छोलेंगे और मौज उड़ाएंगे। जो मैं सबसे अच्छी आपको सलाह दूंगा, कुछ और ट्राई कर ले, प्राइवेट नौकरी कर ले, पर 4 साल की भर्ती में अपने हार्ड वर्क न तोड़वाओ, चाहे 4 साल की हो चाहे 4 दिन की हो, हमें देश की सेवा करने के लिए एक मौका मिल रहा है। एक गांव के एक ही साथ थे हम, तीनों रस्ते पैसे लौट के आए हैं, ऐसा धक्का मारा, ऐसा धक्का रस्ते पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार वीडियो में। आज मुरादाबाद की भर्ती थी, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ युवा हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे हम बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप आज भर्ती के लिए आए, किस तरह का आपका प्रदर्शन था? प्रदर्शन भाई कुछ नहीं होता इसमें, बस देखो सबसे नसीब है और बस क्या कहें, ग्राउंड तो कोई अच्छा था नहीं, ग्राउंड अच्छा था नहीं, जैसे कि पहले बारिश पड़ रही थी तो पहले तो कीचड़ हो रहा था, लेकिन अभी कैसे हाल आते ग्राउंड के? दलदल जैसा हो रहा, दलदल पैर दब रहे हैं, लोग एक दूसरे पकड़ के खींच रहे हैं। कितना टाइम मिला? टाइम 4:50 में पहले ग्रुप पकड़ रहे थे। कितने पकड़े ग्रुप में से? पहले ग्रुप में से 10 एम, हाँ पहले ग्रुप, हाँ। आपने पहले भर्ती मारी, तो पहली की भर्ती में अब की भर्ती में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? चेंजिंग है, पहले हमने रेस मारी थी, पहले लड़के पकड़े थे 30, आपका पकड़े 16 लड़के, हाँ पहले टाइमिंग अच्छा था, आपका टाइमिंग अच्छा नहीं है। अभी ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड भी गारा हाल जाता है, छोटा ग्राउंड का रखा, क्योंकि इधर एक तरफ को भागते हैं तो गारा है। सिंगल ट्रैक बना हुआ है, सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक नहीं है, डबल ट्रैक नहीं है, डबल ट्रैक में गारा हो रहा है, पैर बकरा बराबर पूरा, बंदा काट नहीं पा रहा, क्योंकि पैर जो है अगर पीछे वाला बंदा काटता है तो पैर ऊपर से काटता है, ऊपर के जब जाएगा तो पूरा दलदला रहा है वो, जो अंदर वाले हैं वो अंदर ही है, आगे वाले जो आगे चल रहे वो आगे, गंभीर हो गई है। जो पीछे वाले काटते थे तो वो जो है ऊपर से काटते थे, पहले ट्रैक मजबूत होता था तो ऊपर से काटते थे, अब जो नहीं काट पा रहे हैं तो वो 100 आदमियों में से 3 लोगों ने रेस मारी है, जो में से 3 ने जी सेकंड ग्रुप की, 100 आदमियों ग्रुप था। अभी कुछ युवा हमें बता रहे थे कि इंजेक्शन और थोड़ा नशीले पदार्थ लेके भी रेस मार रहे हैं, नशीले पदार्थ हमारे ग्रुप में कोई नहीं निकला, नशीले पदार्थों को दरअसल ऐसा होता है एक या दो चक्कर मारना पड़ता है, रोक थे पूरे जांच पड़ताल हो रही है, कोई नहीं निकला हमारे ग्रुप में, कोई ऐसा लगा नहीं पाता, जो लगा पाता उसका निर्णय वो कर देते हैं, हाथों हाथ। अभी युवा बता रहे हैं कि इस बार सख्ती बहुत ज्यादा है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ है? सख्ती तो देखो, सख्ती तो पहले भी थी अब भी है, मगर टाइमिंग जो है कुछ अब क्या बहुत बदलाव है, ठीक है। 16 चक्कर चालू नहीं हुआ, ग्रुप बन पहले बोलना चालू कर दिया, 16 चक्कर पहले क्या होता था, पहले 3.5 चक्कर घूम के आते थे, 200 मीटर पर से ग्रुप बोलता था पहला ग्रुप, ठीक। अब क्या है, 3 चक्कर पूरे क्लियर हो गए हैं, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है 14 चक्कर, तभी ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार मारी थी रेस, मगर आपका टाइम नहीं दे रहे हैं, बढ़िया। कितना टाइम मिला पिछली बार? 4:30 का, वो 5:30 का, 5:30 का, 4:45 का टाइम दे रहे हैं। टाइम कम मिल रहा है इस बार? चक्कर होता ही इस टाइम दरअसल लड़के बहुत कम है पकड़े जा रहे हैं, और ये पहले जो टाइम था 5:25 तक लगभग हो जाता था, और मैं 5:25 में 5:30-5:35 अपने लड़के 28 तक डिस्पैच हो जाते थे, अब 12 या 13 लड़के बस मुश्किल से हो पा रहे हैं, कोई कोई बंदा बैच ऐसा जा रहा है जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप ले ही नहीं रहे, डायरेक्ट सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप बोले बोले वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, तो वो सेकंड ग्रुप बोला 12-13 लड़के पकड़े, जो शुरुआती ग्रुप छोड़े गए थे उनमें अच्छे खासे लड़के पकड़े गए हैं, इसमें जो है इनमें लड़के कम कर दिए गए हैं, जो वो लड़कों के थोड़े नशीले पदार्थ ला रहे हैं, इस वजह से उनके वजह से कर्नल साहब चिड़े हुए हैं, वो थोड़ा लड़कों को कम पकड़ रहे हैं। सख्ती तो पहले भी रहती थी, सख्ती तो मैन है। आर्मी भर्ती की जो परीक्षा है, पहले इसके नियम को छोड़ते, लेकिन अब बदलाव कर दिया है, पहले लंबे समय के लिए होती थी, अब 4 साल के लिए हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे? बेकार करिए, गलत करिए सरकार ने, अच्छा नहीं कराया, सही करिए, चाहे 4 साल के लिए करिए चाहे 4 दिन के लिए, देश की सेवा गर्व है, हमें गर्व है इस बात पे, बिल्कुल जी, हमें चाहे 4 साल की हो चाहे 4 दिन की हो, हमें देश की सेवा करने के लिए एक मौका मिल रहा है। तो अभी मौका मिला आपको? अभी तो नहीं, आगे ट्राई करेंगे, अभी एज है, अब जिंदगी भर ट्राई करते रहना घर पर बैठ, एज है अभी, अगली बार फिर देखेंगे, जिंदगी भर ट्राई करोगे या मौका खो दिया क्या कुछ? हमारे पास अभी तो हमारे पास मौका है, जिसके पास मौका नहीं उसके पास नहीं, धूल छोड़ जाए, धूल छोड़ दी हुई, कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा, अगली में नहाने का, अब बस काम खत्म है, अब
हाँ जी, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या, कुछ पछतावा? सिलेक्शन हमारा नंबर बीच में आया था, पीछे सबसे पीछे आया था, तीन के पीछे, और इस साइड में गारा हो रहा था। कितना टाइम मिला? काटते कैसे टाइम का तो भाई किसी को कुछ पता ही नहीं, जो 4:40 बोल रहे हैं 4:50 बोल रहे हैं तो उसका तो पता ही नहीं, वहाँ पे कोई बोझ लगा के टाइम देख रहा है, टाइम सही मिला बिल्कुल बढ़िया। कितने सेलेक्ट किए आपके ग्रुप में? सेलेक्ट 30-35 हो रहे हैं भाई हर एक ग्रुप में। हाँ टाइम तो सही मिला मगर बीच में से काट रहे हैं, पहले ग्रुप में आते काट दिए हर एक ग्रुप में से 30-35। कवर करने जाता ना ग्राउंड के क्या हालात है, जैसे कि पहले देखा जा रहा था कीचड़ हो रहा था? ग्राउंड सही है, ठीक है, अगर पीछे नंबर है तो नहीं मार सकता बंदा, दूसरा काट के कैसे जाएगा? बहुत बढ़िया उस साइड, बहुत बढ़िया। हाँ उस साइड पानी भरा पड़ा। व्यवस्था कैसी है अंदर खाने पीने की रहने की, इस तरह की व्यवस्था? सही है बिल्कुल सही, अच्छे से फौज अच्छे से कंट्रोल कर रही है। आप 2.5 साल से तैयारी कर रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी किस तरह की क्या फीलिंग, क्या हालात? हालात तो बेकार है, आप छोड़ दीजिए स्पेस मार। मारोगे भर्ती? नहीं अब नहीं मारते हम, ओवर एज बच्चे नाम है अपने, कागज बनवा के, बहुत सख्त कार्रवाई है, अंदर फौजी पिटाई कर रहे हैं। जो मैं सबसे अच्छे आपको सलाह दूंगा कुछ और ट्राई कर ले, प्राइवेट नौकरी कर ले, पर 4 साल की आप भर्ती में अपने हार्ड गोड न तोड़वाओ। आप कह रहे हैं सख्ती ज्यादा है और पिटाई भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है या किसी और के साथ? मेरे साथ नहीं सर, मैंने ओवर एज बच्चे देखे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स देखे तो सर्वे निकाले गए, एक वैक्सीन लगा रहे बहुत ज्यादा बच्चे सर। एक बात कह रहा हूँ मैं भी, मैं एक कड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि बंदे अपने दम पर रेस नहीं लगा रहे, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, उसके बाद रेस लगा रहा है। पहली बात तो ये कंपटीशन हाई दे रखा है, इसलिए कि जो नए बंदे उनसे रेस नहीं लग रहे, नए बंदे क्या जो पिछले 3 साल से भर्ती इस बार आई है, भर्ती हमें देखने का मौका मिला, जो लड़के ओवर एज वाले थे वो इस बार आ गए, इसलिए हमसे रेस पूरी नहीं हो पा रही, पूरे 5 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहे। मैं रस्से पे से लौट के आया हूँ, मुझे पता है कितने बुरी बीत रही। कितना टाइम मिला आपको भाई? टाइम का मिला, टाइम नहीं बता रहे हैं समझो। अरे भैया जब ग्रुप 2 तो 3 बार बोला, ग्रुप बंद तो बोल लेते, ग्रुप 2 बोलते ही ग्रुप 3 बार बोला, ग्रुप 2 तो ही बंद। टाइम तो देना चाहिए ना, उससे भी कम टाइम दे रहे, इससे बंदा क्या काम करेगा उसमें? गुस्सा बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं पहली वाली भर्ती बढ़िया थी। पहले वाली कैसे बढ़िया थी? साल वाली क्या बदलाव आप देख रहे हैं? 5:30 का टाइमिंग मिलता था, 30-35-50 तक लड़के पकड़ जाते थे उसमें। पहली भर्ती इस बार पर मुझे रस्से से लौटा दिया गया, मुझे धोखे अगली भर्ती जरूर देखूंगा, अगली बार फुल एक्सीलेंट से मारूं। आप काफी करीब थे लेकिन रह गए। काफी करीब था, पूरी रस्से पे से लौट के आया हूँ, मुझे पता है पूरे रस्से पे से लौट के आया हूँ। तीनों एक गांव के एक ही साथ थे, हम तीनों रस्से पे से लौट के आए हैं, हमें इस बात का बहुत दुख है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब टाइम थोड़ा, बस टाइम ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा टाइम अगर हमें 10 सेकंड और मिल जाते तो आज हम वहीं पे होते, यहाँ पे नहीं होते, हम वहीं पे होते, ग्राउंड में होते। ऐसा धक्का मारा, ऐसा धक्का रस्से पे, धक्का मारा आपको रस्से पे, ऐसा धक्का मारा भाई, रस्ते से आगे नहीं बढ़ने दे रहे बिल्कुल भी। 4:45 का टाइम दे रहे हैं और ग्रुप बन के चल रहे हैं वहाँ पर, ग्रुप कैसा रहा प्रदर्शन आपका? बहुत ही बढ़िया रहा, 14 घंटे का रेस्ट मिला, बहुत अच्छा, उसके बाद फिजिकल किया, ठीक है। तो अभी टाइमिंग क्या मिला आपको दौड़ने के लिए? टाइमिंग ना तो हमारे पास घड़ी ही ना फोन, अंदाजा कोई है नहीं हमारा क्या मिला। ग्रुप में कितने दौड़ा है? 4:50-5 के समथिंग टाइम मिला। सेलेक्ट कितने की? सेलेक्ट किए 15 से 15 पहले ग्रुप में भाई, बागपत गए हम, ठीक है, उनको देख के हवाले की सबकी, पहली जांच पड़ताल हो रही मार पे, ठीक है, मार पे कोई गिल्ला शिकायत नहीं है, अगली बार फिर आओगे हम। आर्मी का तो नाम ही काफी है बस। बदलाव क्या आप देख रहे हैं इस वाली भर्ती में? जैसे आपने पहले भर्ती लगाई है तो पहले से क्या बदलाव है? ऐसा है ये भर्ती उड़ती ना करा रहे, ये इस टाइम बन गए दलाल सब, टोटल दलाल की भर्ती चल रही है भाई। यार इतना कम टाइम, बढ़ौत घुसना जरूरी था मुरादाबाद में, बढ़ौत के कितनी तगड़ी तैयारी करे, सही बात है ना, तैयार तो हमने मार दो मुरादाबाद के, ग्राउंड में गारा कर रखा, समर सेविल चला रखा, कहीं कुछ करने पे कह रहे हम आई हो भर्ती है, समर सेविल चला रखा है जी, समर सेविल गारा है, व्यवस्था कैसी है अंदर? व्यवस्था बहुत गंदी है, बहुत घटिया, जो भर्ती 7 बजे तक होनी चाहिए थी, 7 बजे तक क्लियर, वो 11 बजे तक क्लियर हुई है, जो 7 बजे तक क्लियर होनी चाहिए, धूम में कौन मार देगा भाई। अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे कि जो पहले आर्मी भर्ती की परीक्षा होती थी या भर्ती होती थी वो लंबे समय के लिए होती थी, लेकिन अभी 4 साल के लिए हो रही है, उसमें से भी 75% को वो निकाल देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, इस पर आपका कहना है? भाई ये कहना है, ये जो है आर्मी जो होगी अब चोर, इसमें अब हमने तो दे दिया इस्तीफा, आज तो हम तो हंगे नहीं, पहली और आखिरी भर्ती थी, अपनी डिल्ला ठह के फेंकिया है वहाँ, हम नहीं लौटेंगे इधर, अब हम अपने घर मौज लेंगे, गन्ना छोलेंगे और मौज उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाराजगी है, नाराजगी है यार, नाराजगी वाली बात भी यार, इतना कम टाइम इतनी गर्मी में भैंस बताओ कौन मान लेगा, पूरी रात थकावट, कुछ खाने को नहीं मिला, रात को 8 घंटे से 4 साल
खाने के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। 8 घंटे बैठे रहे, 4 साल तक मेहनत करी है, 4 साल के बाद यार इतना तगड़ा वो है। 4 साल के बाद अगर टॉयलेट भी जा रहे हैं तो डंडा मार रहे हैं कि क्या कहाँ जा रहे हो तुम बताओ। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि भाई लड़के पहले जो दौड़ाते थे लगभग 250-200 के समथिंग है ना, लड़के पकड़ते थे 35-40-50-60 तक पकड़े हमारे सामने, और अब 500 वजह क्या है, उनमें बढ़ोत भी बांट दिया। अबे एक आध जिला और बांट दो, टाइम दे रहे हैं 4-50 का, और वो भी गर्मी में, यार ऐसा कौन रेस मान लेगा भाई। और कर दी 4 साल की, कौन भेज देगा अपने बालक को मरने के लिए यार 4 साल में। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं भाई, प्रशासन है जो है वो तो उनके कहने पर कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं कहेंगे, जो कुछ भी हो पढ़ सही है। तो ये थे युवा जिन्होंने भर्ती मारी लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। यदि आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना हमारे चैनल पर, क्योंकि हम लगातार आर्मी भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट अपने चैनल पर दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।